हाल ही में बिहार में होने वाले उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने सत्ता में वापसी की है उसको देखने के बाद अब झारखंड में भी आरजेडी की उम्मीदें बढ़ गई है। आरजेडी जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान सह पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के पहल पर बेला बगान में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन थामा। राजद का दामन थामने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और उन लोगों ने लालू तेजस्वी के नारे भी लगाए। वहीं बात करने के दौरान सुरेश पासवान ने कहा कि बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है और झारखंड में भी महागठबंधन के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। राजद भी लगातार अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगी है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद पूरे दमखम के साथ सत्ता में अपनी जगह बना पाएगा। सुरेश पासवान ने साफ कह दिया कि इस बार झारखंड से भाजपा भगाओ और झारखंड बचाओ का ही नारा लोगों के बीच होगा। बैठक का मतलब है यह चुनावी रणनीति, एक चुनावी रणनीति जो अभी शुरू हुआ है उस चुनावी रणनीति के तहत जो है लोग योगदान किए हैं पार्टी में और नाव है इस चुनाव में युद्ध स्तर पर लग करके राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ काफी जो है संगठन को मजबूत किया जा रहा है और महागठबंधन के साथ जो चुनाव होगा उस चुनाव में सारे लोग मिल करके और जो है यहाँ भाजपा को हराने के लिए सारे साथी मिल करके यहाँ संगठन को मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में सारे लोग जो है योगदान अभी कर रहे हैं